चलिए मैं लास्ट में दिखा दूंगा, लास्ट स्लाइड सारा अभी दिखा देंगे। कहता है फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल पी क्यू आर लिमिटेड। कहता है सर इक्विटी शेयर कैपिटल फेस वैल्यू कितने का है? 3,20 का। डिबेंचर दे रखा है 42,50,000। फिक्स कॉस्ट दे रखा है आपको 40,000, 4,08,000। ओएल दे रखा है ऑपरेटिंग लीवरेज दैट इज 1.4, कंबाइंड लीवरेज 2.8, सेल्स गिवन है आपको और टैक्स रेट गिवन है। क्या पूछ लिया भाई? फाइंड आउट द फाइनेंसिंग लीवरेज और ईपीएस फॉर्म। फाइनेंसिंग लीवरेज, अब सबसे पहले डीओएल का फॉर्मूला पता है क्या होता है? अरे नहीं, टीसीएल। अब देखो ये चैप्टर जो बच्चे इसी चैप्टर से एनरोल हुए हैं उन बच्चों को शायद ये वाला पार्ट समझ में ना आए क्योंकि मैं यहाँ कर रहा हूँ। हाँ ईबीआईटी में हर बार बोल रहा हूँ लीवरेज करोगे तो आपके लिए बिल्कुल सिंपल लगेगा, वहां बहुत बार करा हुआ है। डीसीएल क्या होता है हमारा फॉर्मूले में? डीओएल इंटू में यही होता है। अब आपको दो चीज तो दे ही रखा है तो हम तो एक निकाल सकते हैं। क्या क्या दे रखा है? डीसीएल दे दिया 2 पॉइंट, डीओएल दे रखा है कितने? 1 पॉइंट। ऑपरेटिंग लीवरेज का मतलब होता है डीओएल 1.4 इंटू में डीसीएल डीएफएल, तो अब कैसे निकलेगा बताओ? माइनस कर देंगे तो ये मल्टीप्लाई करेगा तो 1.4 डीएफएल आ जाएगा। तो अगर हम देखें डीएफएल 1.4 आ गया, तो अगर डीएफएल निकालना है तो इससे डिवाइड कर देंगे, 2.8 डिवाइडेड बाय 1 पॉइंट इज इक्वल टू डीएफएल। क्या आ गया डीएफएल? इसको उठा के इधर लेके चलते हैं। क्या आ गया डीएफएल? 1.4। अब बताओ तो सही, दो दो ही आएगा ना, दो आ गया। चलो ठीक है सिद्धार्थ, 1.55 में 2 आ जाएगा। ठीक है पहला क्वेश्चन कर लिया। दूसरा बोल रहा है ईपीएस निकालो, तो ईपीएस निकालने के लिए हमें चाहिए प्रॉफिट और नंबर ऑफ शेयर। प्रॉफिट सवाल में कहीं नहीं दे रखा तो इनकम स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, सेल्स माइनस वेरिएबल माइनस फिक्स कॉस्ट ऐसे जो करते आए थे, क्योंकि यहां पे हमें क्या पता है? सेल्स पता है और सेल्स के साथ साथ हमें क्या पता है? फिक्स कॉस्ट पता है, ठीक है, लेकिन सर वेरिएबल कॉस्ट नहीं पता। तो हम किसी एक में फॉर्मूला रख के ईबीआईटी जरूर निकाल सकते हैं, क्योंकि आपका एक फॉर्मूला पता है डीओएल का क्या होता है? ईबीआईटी डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन, यही होता है। साहब इसमें कंट्रीब्यूशन है नहीं, दे रखा है। अच्छा उल्टा लिख दिया, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय, सर इसमें कंट्रीब्यूशन है नहीं सवाल में, तो मैंने बोला था जब कंट्रीब्यूशन ना मिले तो काम चला लेना है किससे? सेल्स से। सेल्स दे रखा है सवाल में और डीओएल भी दे रखा है तो ईबीआईटी निकल जाएगा आराम से। अब ईबीआईटी निकल गया तो इंटरेस्ट माइनस करके ईपीएस भी निकल जाएगा सारी चीजें। तो यहां पे देखा जाए तो क्या हो सकता है सर? डीओएल कितना है सर? 1.4। कंट्रीब्यूशन कितना नहीं पता, सॉरी सेल है ना कंट्रीब्यूशन, तो यहां पे मैं स्लैश करके लिख देता हूँ। सेल्स कितने हमारे? 60 लाख डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, तो अब यहां पे निकाल देता हूँ तो क्या आ जाएगा हमारा? ईबीआईटी 60 लाख डिवाइडेड बाय 1.4, बताइए 14 पॉइंट में आ जाएगा क्या ये? कितने आ रहे हैं? बयालीस लाख पिचासी 42,85,715 का आ गया। ठीक है ये क्या आ गया हमारा? ईबीआईटी। अब इसमें से क्या करेंगे? इंटरेस्ट माइनस। अब यहां पे ये वाला सवाल यहीं खत्म हो गया, इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं। यहां पे आ जाइए ईबीआईटी
माइनस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट किस पे निकलेगा, क्या आ रहा है इंटरेस्ट बताओ, 42,50,000। फिक्स कॉस्ट का इस्तेमाल नहीं हुआ है, चलो अजम्पशन है। फिफ्टी वन थाउजेंड सॉरी 5,10,000 माइनस 377। अब इसमें से माइनस क्या करोगे, टैक्स, टैक्स कितने परसेंट है, 30%, 1,132,714 माइनस करके बताओ क्या आ गया, 7.1 क्या आ गया बताओ माइनस करके बताना। हाँ 26,00,000 43 है, 43 बस 00 रखते, 000 कर देते, तो 000 कर दिया ना, एक हटा दिया ना। हाँ ठीक है, आगे देखो अब क्या करेंगे, ईपीएस निकालना है, तो ईपीएस क्या हो जाएगा सर, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 10 रुपए, अगर 32,00,000 को आप 10 से डिवाइड करोगे, 3 20 तो 26, करो 8.25। अब ना इसमें हमने कुछ अजम्पशन लिया है, क्या अजम्पशन लिया है कि हमारा सेल्स क्या है, कंट्रीब्यूशन, ठीक है, यहां पे फिक्स कॉस्ट का भी इस्तेमाल किया जा सकता था लेकिन उसके थ्रू नहीं किया हमने। फिक्स कॉस्ट का इस्तेमाल कब होता, जब हम करते मैं इसको सिंपल तरीके से कर रहा हूं, ठीक है, फिक्स कॉस्ट का भी किया जा सकता था फॉर्मूला चेंज करके, फिर बच्चे कह रहे हैं बुक में मैच नहीं हो रहा, बुक में क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, कंट्रीब्यूशन नहीं निकाला हम, सेल्स अजम्पशन लेके कर रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने कंट्रीब्यूशन निकाल दिया होगा ना फिक्स कॉस्ट से, क्योंकि कंट्रीब्यूशन क्या होता है हमारा, प्रॉफिट प्लस में फिक्स कॉस्ट 1.12 है, तो हमारा ये 8.25 कैसे है, डिवाइड करके यही आना है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, मेरे बुक में तो क्वेश्चन ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे कह रहे हैं उससे आया, हमने देखो क्या करा यहाँ पे, सेल्स इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, अब बुक वाले बच्चे कह रहे हैं बुक में क्या कर रखा है, मैं फॉर्मूला वही कह रहा था दूसरा फिक्स कॉस्ट को, तो आपका DOL क्या होता है सर, DOL होता है आपका कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन क्या होता है
डिवाइडेड बाय, नीचे ईबीआईटी होता है तो ये होगा ना, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया उन्होंने, जिसमें से DUL निकाल लिया। DUL पहले से 1.4 था, कंट्रीब्यूशन नहीं पता, कंट्रीब्यूशन नहीं पता, माइनस एफसी ले लिया, एफसी क्या है हमारा 4 लाख। अब इसको सॉल्व करके उन्होंने कंट्री निकाल लिया, क्या आ गया था कंट्री बता दो डायरेक्ट, 14 28। अब 14 28 कंट्री आ गया, इसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे, क्या आ गया ईबीआईटी कितने आ गए, 10 लाख 20 हजार, यही है ना 10 20। ठीक है, अब इसमें से इंटरेस्ट माइनस करो, इंटरेस्ट क्या था 5 10, कितने बचे 5 10 माइनस कर दोगे तो 5 10 आपका ईबीटी आ गया। इसमें से टैक्स माइनस करो, टैक्स कितने थे 30%, ये आ गया 3 5, इसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ शेयर से, दैट इज 3 40 था 1.05। तो यहां पे अजम्पशन क्या, मैंने पिछले वाले में कहा, मेरे में 5 क्यों आ रहा है, 357 डिवाइडेड बाय 3 40 से 3 20 तो नहीं है, देखो 0.5 आ रहा है, 1.05 देख लो, डिवाइड यही करा है ना, आधा एरर होगा वो। तो मैंने पिछले वाले में अजम्पशन, आप दोनों तरीके से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन ये भी होमवर्क में देते हैं, ये होमवर्क में, अब क्या सीखने वाले हैं, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, क्या सीखेंगे हम, देखो डिफरेंट लीवरेज पता है, ऑपरेटिंग लीवरेज, कंबाइंड लीवरेज, फाइनेंसिंग लीवरेज, है ना, लाइकली लेवल ऑफ ईबीआईटी ईपीएस 1 0.3 और फाइनेंस, ये चलो मैं करा दूंगा, ये मेरी तरफ से रहेगा, बाकी आप होमवर्क में ट्राई करना, क्योंकि ये वाला पॉइंट ना थोड़ा सा अलग आ गया, अलग कुछ नहीं है, मैं करा दूंगा इसको, बस एक ये मुझे कराना है, एक एक करके चेक करते जाएंगे। होमवर्क में ये है, ये हो ही गया, ये मैं करा दूंगा, और वैसे इस क्वेश्चन में देखा जाए तो होमवर्क में भी दिया जा सकता है, क्योंकि डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज और इन डिफरेंट पॉइंट बताया, प्लान ए और बी में बताओ, और फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट बताओ, सजेस्ट द विच प्लान इज फाइनेंशियल रिस्क, तो इसे भी मैं ही करा दूंगा, चलो ठीक है मैं ही करा दूंगा, या इसमें मैं बता दूं फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, देखो सबसे पहले बताओ ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, हिंट दे रहा हूं, नहीं तो मैं अगली क्लास में दोबारा करा दूंगा इसको, हिंट दे रहा हूं, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, जहां पे सेल्स इज इक्वल टू टीसी आ जाए, मतलब मेरा नुकसान ना हो, और फाइनेंशियल का मतलब इंटरेस्ट होता है, तो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, जहां पे इंटरेस्ट इज इक्वल टू ईबीआईटी आ जाए, मतलब फाइनेंशियल ब्रेक इवन का तो मतलब है ना नो प्रॉफिट नो लॉस, और जब फाइनेंशियल आ गया तो ब्याज, मतलब हम ब्याज पेमेंट करने के बाद भी हम जीरो पे खड़े हों, कम से कम माइनस में ना जाए। ठीक है ना, जैसे मान लो आपका ईबीआईटी है 5 लाख और आपका इंटरेस्ट कितना है 5 लाख, तो आपका प्रॉफिट कितना आ गया जीरो, तो ये फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट है। तो इसका मतलब कह सकते हैं जहां पे ईबीआईटी और इंटरेस्ट बराबर होगा उसे क्या बोलेंगे, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। तो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट हमेशा क्या होगा सर, इंटरेस्ट होगा, यानी फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट
इज इक्वल टू इंटरेस्ट, खत्म कहानी, और प्लस में प्रेफरेंस डिविडेंड, और डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी। तो जिसको ट्राई करना है ना वो कर सकता है, मैंने फॉर्मूला बता दिया है यहाँ पे, ठीक है। बाकी ये मैं पूरा डिटेल में फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट को पूरा एकदम डिटेल में देख लेंगे क्या है अगली क्लास में हम, ठीक है ना। चलिए सर, ये भी हो गया, ये होमवर्क में दिया है ना, ठीक है होमवर्क में। ये तो इसका इतना ही क्वेश्चन लगा, और कहाँ गया इसका बाकी? नई पुरानी बुक में कुछ क्वेश्चन फर्क पड़ गया। यह भी हो गया, ये होमवर्क में, ये पिछली क्लास में दिया था, आज दिया है। कह रहे बच्चे नेटवर्क चले गया, नेटवर्क कहाँ गया, मेरे में तो आ रहा है। सेवन पॉइंट वन करा दो, बिल्कुल वो भी मिलेगा उसका ना, मैं रिकॉर्ड करके दूंगा आपको। ऑल दो मैंने रिकॉर्ड कर दिया है, जिसको आंसर देखना है वो देख सकता है, मैं डाल दूंगा उसको, उसमें कुछ समझाना है। ये 7.1 मैंने रिकॉर्ड कर दिया था, क्योंकि अभी 2 दिन की ना छुट्टी है, लाइक फ्राइडे छुट्टी है, तो मैं आपकी छुट्टी तो दूंगा नहीं फ्राइडे, मैं लाइव क्लास ना लेके रिकॉर्डेड। तो जो क्वेश्चंस बच गए ना वो मैं सारा रिकॉर्ड कर दूंगा, जो होमवर्क में दिया आपको वीडियो फ्राइडे तक मिल जाएगा, मैं रिकॉर्ड करके। मंडे आपका टेस्ट रहेगा, किसका टेस्ट रहेगा सर? लीवरेज और आपका एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल, 2 चैप्टर का टेस्ट रहेगा मंडे। किस टाइम पे? टाइमिंग रहेगा आपका इवनिंग 6 o'clock, ठीक है, इवनिंग 6 o'clock। बाकी जो भी क्वेश्चंस रह गए, मैं कौन कौन सा क्वेश्चन का वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा ये मैंने बना लिया ऑलरेडी, मैं अपलोड कर दूंगा। 7.1 आपका डाउट था, जिसका जो रह जाए ना मिसिंग बता देना, सर ये वाला नहीं बोला आपने, तो मैं ध्यान रहेगा। एक 7.4 का भी करा दूंगा मैं वीडियो प्रोवाइड, हालांकि होमवर्क में दे दिया है, फिर भी मैं इसका वीडियो रिकॉर्ड कर लूंगा। 7.6 का भी मिल जाएगा आपको, 3 क्वेश्चन हो गए। 7.7 तो हो ही गया, सेवन पॉइंट ट्वेल्व यानी 4 क्वेश्चन वीडियो, 1.4 5 क्वेश्चन, और एक ये 6 क्वेश्चन, ये मैं क्लास में करा, लाइव में कराना चाहता हूं मैं इसको, वैसे मैं दे दूंगा। तो 6 से 7 क्वेश्चन मुझे कराने टोटल, बिल्कुल वीडियो कंटेंट में मिल जाएगा। कुछ एक क्वेश्चन तो ऑलरेडी मैंने रिकॉर्ड कर ली भी लिया है, बस उसको रेंडरिंग वगैरह करके अपलोड करना रह जाएगा, वो हो जाएगा आपको फ्राइडे वाली क्लास तक, आपको वीडियो मिल जाएगी। तो फ्राइडे क्लास नहीं होगा, और उस दिन रिकॉर्डिंग मिलेगा आपको क्लास। और रही बात कौन से दिन की बात करें, मंडे आपका टेस्ट है। अब देख लेते हैं जिसका जो भी पॉइंट नोट करना है वो कर सकते हैं। यहां से आज की क्लास एक तरीके से अभी डाउट ले रहे हैं,